काशी विश्वनाथ कैसे हुए प्रकट, जाने शिवधाम से जुड़ी रोचक बातें। जी हाँ, सावन का महीना यानी कि बाबा भोलेनाथ का महीना चल रहा है। ऐसे में शिवलिंग और बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान भोलेनाथ के सबसे प्रसिद्ध और चर्चित मंदिरों में काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव का ये मंदिर यूपी के वाराणसी में गंगा किनारे स्थित है। मान्यता है कि सावन में बाबा काशी विश्वनाथ का नाम जपने से ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। विश्वनाथ मंदिर का इतिहास युगों युगांतर का है, जहां भगवान भोले भंडारी माँ पार्वती के साथ विराजमान है। आइए जानते हैं कि काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा और इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी रोचक बातें। देवी पार्वती के साथ काशी आए थे भगवान शिव। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। काशी यानी के वाराणसी अनादिकाल से अध्यात्म का केंद्र रहा है। हिंदू धर्म में इसे देव भूमि माना गया है। ये दो नदियाँ वरुणा और असी के मध्य होने से इसका नाम वाराणसी पड़ा। द्वादश ज्योतिर्लिंग में से काशी विश्वनाथ सातवें ज्योतिर्लिंग है। मान्यता है कि भगवान विश्वनाथ यहाँ ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में वास करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महादेव माता पार्वती के साथ विवाह उपरांत कैलाश रहते थे, और वहीं देवी पार्वती को विवाह के बाद अपने पिता के घर रहना अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन तभी भगवती ने भोलेनाथ से उन्हें अपने साथ ले जाने को कहा। इसके बाद भोलेनाथ उन्हें पवित्र नगरी काशी ले आए और यहाँ पर विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। काशी विश्वनाथ का काल भैरव से खास है संबंध। जी हाँ, पौराणिक कथाओं के अनुसार दरअसल एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में श्रेष्ठता को लेकर बहस छिड़ गई। भगवान भोलेनाथ ने इस सवाल के जवाब ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी की परीक्षा ली। शिव जी ने एक विशाल ज्योतिर्लिंग का रूप धारण कर लिया और दोनों देवों से कहा कि जो सर्वप्रथम इसके छोर पर पहुंचेगा वो सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। आकाश से पाताल तक फैली इस दिव्य ज्योतिर्लिंग का छोर दोनों देवों में से किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ। विष्णु जी तो हार मानकर ये स्वीकार कर चुके थे कि ये ज्योति अनंत है, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्हें इसका छोर पता लग गया है। ये सुनकर बाबा भोलेनाथ क्रोधित हो उठे, और ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव के इसी गुस्से से काल भैरव का जन्म हुआ। काल भैरव ने ब्रह्मा जी के एक मुख को काट दिया। ये ज्योतिर्लिंग कोई और नहीं बल्कि काशी विश्वनाथ कहलाया। काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक बातें। जी हाँ, हम आपको काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताने जा रहे हैं, जो आपको अवश्य ही पता होनी चाहिए। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर को विश्वेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का शासक। मान्यता है कि वाराणसी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है। ऐसा कहते हैं कि प्रलय आने पर भी यह स्थान बना रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पवित्र गंगा नदी में स्नान करने के बाद ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से मोक्ष प्राप्त होता है। विश्वनाथ मंदिर के परिसर में काल भैरव, विष्णु जी, गणेश जी के मंदिर हैं। ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो सूर्य की पहली किरण काशी पर ही पड़ी थी। भैरव बाबा भगवान शिव के गण माने गए हैं, इसलिए इन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से पहले भैरव बाबा के दर्शन करने की परंपरा है, और तभी इनके दर्शन को करना पूर्ण माना जाता है। तो ये थे कुछ रोचक तथ्य द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक यानी कि काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज़।